हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और खतरनाक वाले वीडियो में। वैसे इस टाइप का वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं। आज जो है अलग ट्रांसफार्मर अलग एम्पलीफायर का यूज़ होने वाला है। तो गाइस, आज के वीडियो में ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसके साथ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और इसमें जो ट्रांसफार्मर का यूज़ होने वाला है वो होगा ये वाला 12-0-12, लेकिन ये निकलती है 13-0-13। अभी बात का कोई सेंस बनता नहीं है, कोई बात नहीं। तो गाइस, इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाला हूँ मैं। वैसे इससे बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, मतलब कि हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास है नहीं तो कहाँ से यूज़ करूँ मैं। तो इसके साथ ही जो है मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस, बेसिकली होता क्या है कि इसका जो ये वाला आउटपुट है जहाँ पे आप स्पीकर लगाते हो, तो इनमें से जो है आपका एसी वोल्टेज निकलती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगी कि उसी एसी वोल्टेज को डबल करके आउटपुट में निकाल देगी। तो मैं जो है इधर इनपुट डालूँगा, मतलब जो वहाँ से निकलेगा उनको इन वायर में लगा दूँगा। जीरो को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जीरो का यूज़ करने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो इन दोनों का मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ इससे। तो गाइस, इससे आपका जो है आउटपुट वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो है आपकी साउंड क्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी को जो है डाउन कर सकती है। तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे स्पीकर भी रखा हुआ है 8 इंची। तो चलिए करते हैं, उसके लिए पहले जो है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइस, हम जो है इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, तो अगर आपका मन करे तो प्लीज़ कर लेना भाई। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। लाइक और सब्सक्राइब अभी के अभी करो, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, अभी बिना कुछ लगाए मैं आपको इसका जो है आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ, मतलब चेक करता हूँ। तो हम लगाएंगे इसको, लीड वायर को लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। तो ये एम्पलीफायर हो चुका है ऑन, ये मैंने लगा दिया पेन ड्राइव, और ये मल्टीमीटर, इसको रखेंगे 200 वोल्ट एसी पे। और अभी इसको चेक करते हैं। गाइस, वॉल्यूम मैंने जो है इंक्रीज कर दिया है, तो ये देखिए आप 4 वोल्ट 7 एज नबी 9 वोल्ट हो गया। और पूरा खोल देता हूँ, ये देखिए मैंने पूरा खोल लिया, तो ये जो है 11, 12, 13, 14 ऐसे, मतलब कि 11 वोल्ट आ रहा है फुल वॉल्यूम खोलने के बाद 11। तो गाइस, ये ट्रांसफार्मर की वायर, इनको मैं डायरेक्ट यहीं पे लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना। यहाँ पे रखा हुआ है डिवाइन ऑडियो, यहाँ पे भाई ये क्या हो गया, इनका प्रमोशन हो गया फ्री में। और यहाँ पे ये सिंगल वाला भी है, आपको कौन का जो जंप है वो दिखाने के लिए। तो मैं लगा लेता हूँ, अभी गाइस कितना काम करेगा मुझे भी नहीं पता। तो मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे। तो गाइस, पहले जो है 12-13 वोल्ट के आसपास में आ रही थी फुल वॉल्यूम करने पे। अभी ट्रांसफार्मर लगा के देखेंगे कितना वोल्ट आ रही है, ये वोल्टेज बढ़ा कि नहीं। तो इसको ऐसे लगा देता हूँ परमानेंटली, तो
तो गाइस मैंने लगा दिया है, अभी आप यहाँ पे वोल्टेज देखिए काम करता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो जी, जी, जी। देखिए अभी पूरा वॉल्यूम खुला भी नहीं, और देखिए 18 वोल्ट तक जो है ये पहुंच जा रही है। तो अभी जो है गाइस स्पीकर लगाएंगे तभी जो है ज़्यादा मजा आएगा आपको। ये मैंने खोल लिया, तो मैं भी लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम थोड़ा दब गया है, लाउडनेस खत्म हो गई है, तो आप देख सकते हो मतलब सुन सकते हो। आज यहाँ पे है ओपन स्पीकर, इसमें लगा के देखते हैं। तो गाइस रिज़ल्ट आपके सामने है, तो जैसा आपने सोचा होगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस ये वोल्टेज बढ़ाने का जो ये टेक्निक था, ट्रांसफार्मर लगा के ये टेक्निक डल किट के साथ काम नहीं करेगी, आपने खुद ही देख लिया, मैंने प्रूफ भी कर दिया है। तो ये टेक्निक इसके साथ काम नहीं करेगी। अभी कुछ लोग कहेंगे कि तूने स्पीकर 8 इंच लगा रखा है इसलिए हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। तो मेरे भाई अगर ऐसा होता तो स्पीकर ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने खुद ओपनली देखा स्पीकर का जो कोन है वो बहुत ही मतलब बहुत कम जम कर रही थी, इससे ज़्यादा जम तो वो तब करती है जब एम्पलीफायर इसको डायरेक्ट बजाता है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो डल किट के साथ ये वाला टेक्निक काम नहीं करती है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फुस हो गया। खैर कोई बात नहीं, मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।